ऋषभ एक बार मेरी बात सुन तो लेते हैं, तो पूरी कहानी बता देती उन्हें। ये ले चटाई और ये पंखा, क्योंकि बहुत ही जल्द बजने वाला है तेरा डंका। पता नहीं ऋषभ कब तुझे इस घर से बाहर निकाल दे। आप रोड पे सोने के लिए बिछाने के लिए तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और रही बात पैसों की, तो किसी मदारी को पकड़ लेना, रोड पे नागिन डांस करना, दो चार पैसे मिल ही जाएंगे। अब चल यहाँ से। रुकिए सासू माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि चार दिन में मेरे पति का विश्वास मुझ पे वापस आ जाए और इसकी जरूरत आपको पड़ जाए। उनका विश्वास वापस आ सकता है ना? आप उसके बारे में सोचिए जो वापस शायद आए या ना आए, जैसे कि आपका वो नेवला जिसे आपने भेजा था चंदा माँ को लेने के लिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए, वापस आएगा भी या नहीं। क्यों, लगता है आप समझी नहीं। सासू माँ, आपका नेवला तो गया, मैंने उसे मार दिया। अंबिका, सबको बताओ रेहान ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अंबिका अंबिका डरो मत और बताओ क्या क्या हुआ था। मुझे पैसे दिए गए हैं। इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं रेहान के खिलाफ बोलने के लिए। इतना कैसे गिर गई प्रथा? अब ये भी झूठ बोल रही है, इसे शायद किसी ने पैसे दिए हैं। तुमने दिए, इसे पैसे तुमने दिए, सब बर्बाद कर दिया तुमने प्रथा। इस खानदान के नाम को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। आज से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, चली जाओ यहां से। मैंने कहा ना, आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकती। माँ, क्या तुमने मेरी माँ को? बस बस, बात हो गया ये नाटक और ये खेल। प्रथा बोल, वो अमृत कलश कहाँ है? नहीं बताएगी तो मैं इस बुढ़िया को खत्म कर दूंगी। ग्रहण के लिए कुछ ही समय बचा है, प्रथा बता दे वो अमृत कलश कहाँ है। कभी नहीं बताऊंगी। ये आप क्या कह रही? सर, अगर तू चाहती है कि तेरा ये बेटा जिंदा रहे तो बता, बताओ वो कलश कहाँ है। माँ, क्या हुआ, हैरानी से क्या देख रहा है? यही सच है ऋषभ, मैं तेरी माँ नहीं हूं। इतने असुरों को तूने मार दिया तो क्या इस छुरी से तू डर जाएगी? ना 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 ना, गैंग आ जा, अपने असली रूप में आ जा, दिखा दे इसको वो रास क्या है, या फिर मैं तेरी जान निकालूंगी। माफ माफ माफ, प्लीज पहले पहले चाकू हटाइए। माफ माफ, उसका खून निकल रहा है। नहीं माँ, प्लीज नहीं हटाऊंगी।
इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, तो इस राज के साथ मैं इसे आबाद कैसे रहने दूंगी। आज आप मिला सही रूप में, बता दे वो सच क्या है, बता। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज पहले चाकू उठाइए उसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुन नागिन, आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। हाँ बता, बता वो सच क्या है, बता वो राज क्या है। आप किसी भी लड़की से पूछे, अगर वो अपने प्यार और शक्ति में से किसे चुने तो वो सिर्फ अपने प्यार को ही चुनेगी, क्योंकि प्यार से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। और भले ही मैं शेष नागिन हूँ, पर मेरे अंदर भी एक औरत रहती है, और वो औरत मुझे कहती है कि जा अपने प्यार के साथ जी ले अपनी जिंदगी। तुम शेष नागिन हो प्रथा, इसलिए तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा काम है इससे तुम्हें सावधान भी कर रहा हूँ। जिन शक्तियों को तुम त्यागना चाहती हो उनको त्याग करना इतना आसान नहीं है। जिस जिंदगी को तुम जीना चाहती हो उसे खो भी सकती हो, क्योंकि कायनात तुम्हें बार बार रोकेगी प्रथा। मेरा प्यार ही मेरी कायनात है, और मेरे प्यार की ताकत मेरे साथ है। प्यार के लिए कुछ भी करूंगी। कुछ ही घंटों में पूर्णमासी का चांद पूरा होगा, और जानती हो ना, आज लाल चांद की रात है, और इस लाल चांद की लाल चांदनी में ही तुम्हें अपनी शक्ति त्यागने के उस रास्ते पे चलना होगा जो तुम्हें कदम कदम पे रोकेगा प्रथा, क्योंकि ये लाल चांद की लाल चांदनी बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, जो करने आई हूँ वो करके रहूंगी। तो ठीक है, जब चांद का उगना शुरू होगा तब तो मुझे रक्तांचल पहाड़ी पे मिलना, वहीं से तुम्हारी शक्तियों की अंत की शुरुआत होगी प्रथा। ए, चल पैर दबा। जैसे तू पैर दबाएगी ज्वाला अपना फैसला सुनाएगी, कि तुझे मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए, मजा दिया जाए कि सजा दी जाए। चल। अरे जा। अरे ठीक से पैर दबाना। इसको तो पैर दबाना भी नहीं आता। वैसे तेरे लिए बुरा लगा। हाँ तो बुरा तो लगेगा ही ना, पति ने भी साथ छोड़ दिया और खुद की सगी बहन वो भी मुंह मोड़ ली। चुप। हम सब इसी जमात के हैं, चल छोड़। अब तुझे सजा दी जाएगी, इन सबके कपड़े भी तू धोएगी और प्लेटें भी। 300 लोगों के कपड़े और बर्तन ये धोएगी? नहीं जाएगी। अगर थक जाएगी तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी चिता को जलते हुए देखा था। हाँ देखा होगा तुमने मेरी चिता को जलते हुए अपनी आंखों से, पर मुझे मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं छिप गई थी जमीन के नीचे, और जमीन के अंदर से जमीन का सीना चीर के आई हूं तुम्हें मारने। मुझे मारने नहीं, मेरे हाथों मरने आई है तू। अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी महक, अब जो भी करूंगी मैं करूंगी। मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना, तुम्हारी महक दीदी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, है ना? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना प्रथा? ऑफ कोर्स दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है।